अब देखते हैं हमारा संसद जो है वो उसके दो वो हैं, है ना, एक हो गया आपका लोकसभा और एक तरफ हो गया राज्यसभा। अब बिल कहीं भी आ सकता है, पहले ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम ऐसे देखते हैं एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ है राज्यसभा। अब इन दोनों के केस के साथ हम लोग देखते हैं पहले एक एक करके नेशनल इमरजेंसी और उसके बाद देखेंगे स्टेट। पहले नेशनल को देख लेते हैं फिर देखेंगे इसको बाद में, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के लिए पहली बात तो डिक्लेयर कौन करेगा, नेशनल इमरजेंसी के लिए वर्ड क्या है, उद्घोषणा। लगाया गया शब्द नहीं होता इस्तेमाल, इसके लिए इस्तेमाल होता है शब्द उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेम। इमरजेंसी इज प्रोक्लेम, ये MPPSC में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, प्रोक्लेम वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उद्घोषणा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसा लिख देता, उसके लिए तो महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट होता है, तो इसको भी ध्यान रखना कि यही वर्ड यूज करना है आपको प्रोक्लेम। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, ठीक है ना, उसके लिए होता है उद्घोषणा। तो उसकी उद्घोषणा करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। पहली बात तो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति, पर वह खुद ही कर देता है क्या, नहीं। तो प्रेसिडेंट कब करता है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा, जब उसको लिखित में भारत की जो कैबिनेट होगी, व्हेन कैबिनेट गिव इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जब कैबिनेट उसको लिखित में ये चीज देगी तब वो उसकी घोषणा करेगा, ठीक है। और कैबिनेट लिखित में देने के बाद यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो पूरी की पूरी पूर्ण होगी, ठीक है। तो ये बताओ पहले यहाँ पर चीज़ें पारित होगी, जो ये प्रोक्लेम करेंगे, ये जो उद्घोषणा करेंगे, पहले क्या उसको संसद से पारित किया जाएगा या पहले ही संविधान वो लग जाएगा, पहले ही लग जाता है, ठीक है ना। पारित बाद में होता है, जो ऑर्डर है पहले वो क्या होता है, लागू कर दिया जाता है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जब उनको कैबिनेट लिखित में दे दे, कैबिनेट राइटिंग में, तो क्या होता है, कैबिनेट जब लिख कर देती है तो इसको लगा दिया जाता है। लगाने के बाद जो इनका प्रोक्लेमेशन होता है उसको फिर क्या करते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, संसद में लेकर जाते हैं, क्लियर है। और संसद के अंदर लोकसभा को, यहाँ पर लोकसभा को मिल ली, उसको एक महीने के अंतर्गत क्या करना होता है, उसको पारित करना होता है, ठीक है। तो पहली बात तो एक महीने के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा मतलब संसद को ही बोल सकते हैं कि एक मंथ के अंदर, मतलब दोनों को ही करना होता है एक्चुअल में, एक मंथ के अंदर इसको भी और एक मंथ के अंदर उसको भी, ऐसा नहीं कि एक मंथ में ये करेगा फिर रुकेंगे फिर एक मंथ में ये, नहीं, एक मंथ के अंदर दोनों ही हाउस से वो पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा उसे क्या कर दे, पारित कर दे, पास कर दे, क्लियर हो रहा है। इन दोनों ही उसको पास कर दे कितने दिन के अंदर, एक महीने के अंदर। पर अब यहां पर कुछ कंडीशंस होते हैं कि लोकसभा हमारी क्या होती है, विघटित हो सकती है, डिसोल्यूशन हो सकता है उसका, उसका तो विघटन होता है। तो अगर ये मान लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति ने क्या किया, इसको पारित किया और एक महीना में उसको पारित करने के बाद लोकसभा ने पास नहीं किया और उसके पहले ही लोकसभा का विघटन हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, जब लोकसभा फिर से गठित होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, तो जब उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके कितने दिन के अंदर उसको फिर से उसको पारित करना होगा, वन मंथ के अंदर, ठीक है। तो अगर लोकसभा इस टाइम में डिसॉल्व थी और डिसॉल्व के बाद अगर वो फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो वन मंथ के अंदर उसको पास करना होगा। पर यहां पर एक कंडीशन है क्या, कि इस बीच के जो समय है उसमें राज्यसभा उसको पारित कर दे, इन द मीन टाइम राज्यसभा मस्ट पास दैट पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन ऑर्डर, क्लियर है। तो बीच में राज्यसभा उसको पास कर दे, ये तीनों कंडीशन समझ आया, एक बार रिपीट कर देता हूँ अच्छे से सुनेंगे, है ना। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि लोकसभा और राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट को उसको एक मंथ के अंदर अप्रूवल देना पड़ता है, पारित करना तो उसको अप्रूवल देना पड़ता है, ठीक है। अगर उस एक मंथ के अंदर उसको अप्रूव नहीं किया तो वो बिल वहाँ क्या होगा, इमरजेंसी खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसको आगे लागू नहीं किया जाएगा, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो लोकसभा, अगर मान लो कि इसको यहाँ से पास कर दिया गया है बट उस टाइम पर लोकसभा क्या थी, डिसॉल्व थी, मतलब लोकसभा उस समय विघटित थी, तो जब लोकसभा पुनर्गठन होगी तो उस समय उसको पुनर्गठन के एक महीने के अंतर्गत उसको क्या करना होगा, पास करना होगा। पर उस बीच के समय में राज्यसभा तो विघटन होती नहीं, तो राज्यसभा को उस बीच के समय में पास कर देना होगा, ठीक है, तभी जाकर ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो क्या होगी, प्रोक्लेम। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे ये पास होता है, ठीक है। अच्छा, अब पास होने के बाद ये कितने दिन तक लागू रहेगा, ड्यूरेशन क्या होगा नेशनल इमरजेंसी का, ड्यूरेशन, ठीक है ना, समय कि कितने समय तक के लिए लागू होगा ड्यूरेशन, ठीक है। इस पर कल क्वेश्चन दिया था मैंने, ठीक है ना? तो जो हमारा ये जो है पहले ऐसे नहीं तक, बाद में इसमें कंडीशन लगाया गया, इसमें 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कंडीशन दिया जिसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी,
मतलब समय के साथ एक समय के बाद उसको बार बार क्या करना होगा, पास करना होगा, बार बार करना होगा, पीरियोडिक होना चाहिए। एक समय हुआ उसके बाद फिर से पास करो, उसके बाद फिर से पास करो। तो यहां पर एक कंडीशन डाली गई पीरियोडिसिटी की, किसके द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, पहले ऐसा नहीं था, 44वें से आया ये, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसमें पीरियोडिसिटी डाली गई। पीरियोडिसिटी मतलब जैसे अगर अभी पास कर दिया, ठीक है, तो 6 महीने के बाद उसको फिर से एक बार पारित करो, फिर 6-6 महीने, 6-6 महीने का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो अगर एक बार आपका क्या होता है प्रेसिडेंट रूल, सॉरी आपका नेशनल इमरजेंसी पास होता है, तो वो कितने महीने तक के लिए रहता है, मैक्सिमम कितने महीने तक के लिए रहता है, 6 महीने के लिए रहता है, बट उसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है 6-6 महीने के अप्रूवल के साथ। लाइन समझ आया? वंस पास द प्रेसिडेंट, सॉरी वंस पास द नेशनल इमरजेंसी रिमेन इन ऑपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, रिमेन इन ऑपरेशन फॉर द पीरियड, इनडिफिनिट पीरियड, विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इन एवरी 6 मंथ, ठीक है ना। तो कितने समय के लिए हो सकता है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए हो सकता है, ठीक है ना, अनिश्चित काल तक के लिए हो सकता है, पर हर 6-6 महीने में क्या होगा, 6 मंथ में इसको अप्रूव कराना होगा। ज्यादा गर्मी लग रहा है क्या, हाँ सभी को ज्यादा ही गर्मी हो रहा है, उसको बंद करो खिड़की को, इसको ऑन कर दो, ऑन कर दो। अरे अभी होगा टेस्ट के दिन, तो ऐसे ही रहेगा, सबके लिए समान है, उस दिन वो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी स्थिति बेहतर होगी अगले टेस्ट से, हमको खुद नहीं इतना एहसास था, ठीक है ना, अगले बार स्थिति बेहतर देंगे। पर ये सब नहीं ना कि गर्मी है ये, वो आपको करना पड़ेगा टेस्ट में, अच्छा परफॉर्मेंस करना है। कई कल तो मैं देख रहा था, कई लोग कितने लोग डिस्कशन बैठे थे पूरा क्लास में से, कहाँ बैठा था, वहाँ बैठा था आप, तो डिस्कशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले बात बता दूँ। आप ये सोचोगे कि नहीं मैं क्लास में जो बता दिया उसी में से क्वेश्चन दूंगा, ऐसा नहीं होगा, पर जो क्लास में पढ़ा दिया उसी में से क्वेश्चन आएगा, हाँ ऐसा ही होगा, तो टेस्ट क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना। 2-4 एक्स्ट्रा फैक्ट और चीज़ों को सिखाने के लिए, बट इस क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ एकदम देख लेना 90% चीज़ें यहीं से दिखेंगी आपको, ठीक है। पर जो वेगनेस होती है, क्या होता है एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उसको वहाँ पर कवर कर रहा हूँ टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और फिर टेस्ट में एक मैनेजमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट स्किल, कि हाँ हम इतना बनाएंगे इतना नहीं बनाएंगे, तो सब चीज़ों को सीखना है ना, इसलिए उस टेस्ट को ऐसा बनाया गया। नहीं तो मुझे क्या, मैं ही बना देता हूँ 100 आसान प्रश्न, ले आना 200 में 200, सिंपल सी बात है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो मिला लिए नंबर वंबर, कितने लोग, कितने हैं जिनको 80 से ऊपर आ रहा है या 100 से ऊपर आ रहा है, 100 से ऊपर आया किसी का, किसी का भी नहीं आया, 80 के आसपास, हाँ ठीक है, वही है कट ऑफ के भी एकदम आसपास हो, ठीक है ना, बाउंड्री लाइन से पास हो, बाउंड्री लाइन के इधर आना है, ठीक है। और 80 आया मतलब 5 से 6 गलतियाँ होगा, एकदम सिली मिस्टेक, बारीक वाला गलती होगा, तो वो सुधर जाएगा तो पास जाओगे, उसी को समझना है मैंने, ठीक है। चलो खैर ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये उसको पास करने की प्रक्रिया, और उधर से क्या, वो क्या होता है उस ड्यूरेशन पे, वो के लिए समय काल उतनी चाहिए होती है, ठीक है। अब इसको वापस, इसको हटाना, जो इमरजेंसी है उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है ना। तो डिसअप्रूवल, ठीक है ना, तो इसको कब, इसको हम लोग क्या करते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, इसको हटाने का तरीका क्या है। तो एक तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसको खुद हटा सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को खुद ही ख़त्म कर सकते हैं। कौन है, फ़ोन पे होगा उसके पास, पूछना, ये ले कर देना, पता तो है इसका, वो है ना, इसका ये, बाकी पिन तो पता ही है, ठीक है, सब पता है उसको, अपने मत कर लेना, ठीक उसको सब पता है। चलो खैर, तो इसको डिसअप्रूव कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको एक करके समझते हैं, पहला तो चीज़ क्या है कि राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वो क्या कर सकता है, खुद ही उसको हटा सकता है, एक अगले क्या कर गए, एक बार फिर से प्रोक्लेमेशन ऑर्डर लाकर उसको हटा सकता है, क्लियर हो रहा है। दूसरा होता है कि इसको हटाते कौन है, अच्छा यहाँ पर जो उसको पैसेज करते हैं वो तो आपको पता है नहीं, यहाँ पर जो दोनों को पारित करना होता है वो किससे करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से, किससे करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत नहीं, क्या हो सकता है आपका, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाता है ना। पर जब डिसअप्रूवल करते हैं, जब उसको हटाया जाता है, तो एक तो राष्ट्रपति खुद हटा सकते हैं, दूसरा हटाया जाता है किससे,
वहां पर भी इसको क्या करा जाएगा, लोकसभा को ही केवल यहां पर क्या करना है, तो बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ, बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना कि लोकसभा के समान या बोल सकते हैं साधारण बहुमत से ही इसको पास करके खत्म किया जा सकता है। क्लियर है? तो यहां पर दो चीजों को ध्यान रखना, जब पास करना है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और जब इसको हटाना है तो केवल लोकसभा की रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, तो ये तो चीजें हो गई। अच्छा, अब इसका कुछ बेसिक चीजें पूछता हूँ। क्या नेशनल इमरजेंसी पूरे भारत के ही एरिया में लगाया जाता है या किसी विशेष एरिया में भी लगाया जा सकता है? दोनों में हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, किसी भी एक क्षेत्र में लगाया सकता है या तो पूरे संपूर्ण भारत में लगाया सकता है। ये प्रावधान कहाँ से लाया गया था, किस अमेंडमेंट से आया? 42, 42 से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ 44 से आएगा। ठीक है, याद रखना, सब चीज 44 से आएगा। इमरजेंसी में जितना भी समस्या है सबको सुधारा गया कहाँ से? 44 से। ठीक है, तो इमरजेंसी केवल एक पार्ट पे लग सकता है इंडिया के, या इंडिया के सभी पार्ट पे लगाया जा सकता है, ये एक प्रोविजन है। उसके बाद जब नेशनल इमरजेंसी आता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव इफेक्ट या इम्पैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी का इम्पैक्ट पहले देखते हैं, एक एक करके क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं आम नागरिकों पे क्या होता है, ऑन द पीपल, ठीक है ना। तो लोगों पे क्या होता है, उनके मौलिक अधिकारों पे क्या होता है देखते हैं। तो पीपल को क्या मिल रखा है, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकारों में इसका प्रभाव क्या पड़ता है, और इसके लिए वो दो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 358 और 359। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जब नेशनल इमरजेंसी होता है तो फंडामेंटल राइट के ऊपर दो तरीके से प्रभाव, तीन तरह का प्रभाव पड़ता है, उसको देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला प्रभाव क्या होता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मतलब आर्टिकल 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी के समय में भी वाप क्या नहीं किए जाते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं, इनको सस्पेंड नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 20 और 21 नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी नहीं हटाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो रहते ही हैं, नॉट सस्पेंडेड, इन्हें नहीं हटाया जाता, ये मतलब कभी भी नहीं हटते। ठीक है, 2021 उस समय भी नहीं हटते। इसके बाद आते हैं 19 को क्या बोलते हैं, आर्टिकल 19 का दूसरा नाम पता है क्या है, लोकतांत्रिक अधिकार बोलते हैं इसको, डेमोक्रेटिक राइट। ठीक है, सारे फंडामेंटल राइट में से आर्टिकल 19 का एक और नाम क्या है, डेमोक्रेटिक राइट। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेटिक राइट है अंडर आर्टिकल 19, इसको हटाया जाता है, पर इसको किससे हटाते हैं, ये अपने आप हटता है या प्रेसिडेंट के ऑर्डर से हटता है? पहली बात तो ये स्वतः हट जाता है। ठीक है ना, अंडर आर्टिकल 358 अनुच्छेद आर्टिकल 358 के अंतर्गत इट सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली, ये खुद से ही हट जाता है आर्टिकल 358 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है किसका, आर्टिकल 19 का। ठीक है, और जो बचे हुए फंडामेंटल राइट है, रिमेनिंग FR, बचे हुए फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या होते हैं, वो आर्टिकल 359 के अंतर्गत ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के आदेश से बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, राष्ट्रपति के आदेश से इसको हटाया जा सकता है। क्लियर हो रहा है? तो फंडामेंटल राइट में ये तीन तरह के प्रभाव पड़ते हैं। जैसे ही क्या होता है, इमरजेंसी खत्म होता है, वापस 20-21 को तो कुछ होना ही नहीं है, 19 क्या हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है, और बचा हुआ वो भी तुरंत हो जाता है रिस्टोर, कि उसको प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से वापस पुनः स्थापित करते हैं। हाँ, ऑटोमेटिकली सस्पेंशन होता है इसका, और उसको उससे किया जाता है, पर सबके सब एक साथ वापस जाते हैं। ठीक है ना, जब क्या होता है, इमरजेंसी सीज टू बी ऑपरेटेड, देन ऑल द फंडामेंटल राइट रिस्टोर्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, सभी के सब क्या होते हैं, स्वतः वापस लागू कर दिए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, किसको दिक्कत जा रहा था भाई उसमें, ट्राइब्स में लैंग्वेज का, लैंग्वेज किसी को डाउट वो जा रहा है क्या, हिंदी इंग्लिश? हाँ, देखो तो प्री की क्लासेस बाइलिंगुअल होती है, पहले दिन से हम लोगों ने बताया, हम एकदम इस चीज़ के लिए क्लियर रहते हैं, प्री की क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं जी वाली, और हम लोग का जो लॉन्ग टर्म बैच है फिर उसमें इंग्लिश, मतलब इंग्लिश, उसमें हिंदी मीडियम आता भी नहीं, और हिंदी की बिल्कुल डिफरेंट क्लास होती है, उसमें हिंदी मीडियम बैठता है। ठीक है ना, प्री की क्लासेस में दोनों होते, क्या दिक्कत जा रहा है उसमें? कौन सा नोट्स दिए हैं, नोट्स तो किसी को कहीं नहीं दिए हैं,
वो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की है, हिंदी में ही आती है, उसको गवर्नमेंट इंग्लिश में नहीं देती, हम लोग कहाँ से देंगे उसको, बस देखना है। सर तो बताते चल रहे हैं ना किसको क्या बोलते हैं, तो उसको वहीं से वो करो ना कि किसको क्या बोलते हैं। प्री की क्लासेस वैसे ही होती हैं, ठीक है ना, वो भी ये वाली शॉर्ट वाली। अब शॉर्ट टर्म में थे ना, लॉन्ग टर्म में होते तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो वो पहले से डिफाइन किया हुआ है ना, तो बता के दिया गया था, ठीक है। मैं भी इधर पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी वाले भी बैठे हैं, पर मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ उसको जितना हो पा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को यहाँ पर लिख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इतने कम ड्यूरेशन में दोनों चीज़ को यहाँ पर लिख पाना, हिंदी इंग्लिश, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो जहाँ पर डाउट आएगा आप आके मेरे से बात कर लेना, क्लियर है। क्लासेस पूरा करो, जहाँ पर जो डाउट आएगा वो आके मेरे से बात करना, ठीक है। ओके चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहला चीज़ क्या है, यहाँ पर 2021-19 और इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, क्लियर हो गया, ठीक है। और ये सभी के सब क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ही रिस्टोर हो जाते हैं, ठीक है। इन कंडीशंस को ध्यान रखना अपने दिमाग में। ओके अब वापस आते हैं इसमें एक बार फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं अपन प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत क्या होता है, पहली बात तो ये स्पेशल मेजोरिटी क्या हो जाएगा, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है ना, साधारण बहुमत से ही हो जाएगा सब कुछ, क्लियर है। अच्छा इसको पास करने के लिए कितना महीना चाहिए होता है, कितने मिनट का टाइम मिलता है, 2 मंथ का मिलता है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन जो होगा वो क्या होगा, 2 मंथ, ठीक है ना। जब एक बार उसको प्रोक्लेम किया जाता है तो उसको दोनों हाउस को कम से कम 2 महीने के अंतर्गत क्या करना होता है, पास कर देना होता है, क्लियर है। बट अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो, लोकसभा उस समय विघटित हो गई हो, तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद उसको उसे अप्रूव करना होता है कितने दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर। तो ये जो कंडीशन अलग से है, डिसॉल्व के बाद का 1 मंथ, ठीक है, ये यहां पर सेम होगा, क्लियर है। इसको बना लो, इतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। रिवीजन इतना शॉर्ट करना है, उठा के बुक का पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, समझा रहा है। यही तो है बस, 3 कंडीशन को तो ध्यान रखना है। इसमें पहले क्या था कि दोनों को पास करना होता है 1 मंथ के अंदर, यहां पर भी क्या होता है, फर्स्ट टाइम पे तो दोनों को मिलकर 2 महीने में पास करना होता है, यहां पर स्पेशल मेजोरिटी से होता है, यहां पर सिंपल मेजोरिटी से होता है। उसके बाद क्या होता है, अगर लोकसभा यहाँ पर विघटित हो गई हो तो राज्यसभा को तो पास करनी होता है उस बीच में, पर लोकसभा जब पुनर्गठित होती है वापस उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो वो 1 मंथ के अंदर उसको अप्रूव करती है, ठीक है। इस केस में भी क्या करती है, 1 महीने के अंदर ही अप्रूव करती है, क्लियर हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसका आते हैं इसमें ड्यूरेशन पे, समय पे, प्रेसिडेंट रूल। और ये जो प्रेसिडेंट रूल है सेम किसके लिए अप्लाई होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी सेम अप्लाई होता है, ठीक है ना। वित्त आपातकाल भी ऐसा ही चलेगा, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, लिख रहे हो, हाँ लिखते चलो, है ना। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि मेरे को ये बताइए पहली बात कि जो ये है आपका प्रेसिडेंट रूल है वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए लग सकता है, 3 ईयर्स के लिए लग सकता है ना। तो पहली बात तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगा, मैक्सिमम 3 साल के लिए सकता है, ठीक है। अब उस 3 साल में भी उसको भी क्या करना पड़ता है, 6-6 महीने में अप्रूवल कराना पड़ता है। तो इसको भी क्या होता है, इसमें भी पीरियोडिसिटी है, हर 6 महीने में इसको भी क्या करना पड़ता है, री अप्रूव करना पड़ता है, ठीक है। हर 6-6 महीने में इसको वापस अप्रूवल लेना पड़ता है। अच्छा पर ये अप्रूवल 1 साल से ज़्यादा उसी स्थिति में होगी, 3 साल तक क्या लगाया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी, बट 1 साल, जैसे कि सपोज करो पहला वाला हुआ 6 मंथ के अप्रूव किया और 6 महीने के लिए बढ़ा लिया, पर अगर 1 साल से अधिक, 1 साल से अगर पीरियड एक्सटेंड हो रहा है तो वो तभी एक्सटेंड होगा जब 2 स्थिति बनेगी, ऐसा नहीं कि हर बार हो जाएगा। अगर 2 कंडीशन ऐसा होगा तभी 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल लगाने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। वो 2 कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि जिस राज्य में ये प्रेसिडेंट रूल लगा है वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी या है उस समय, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला क्या है कि इन द स्टेट वेयर दिस इमरजेंसी इज, बोल सकते हैं प्रेसिडेंट रूल इज अप्रूव्ड, ठीक है ना, या जहाँ पर भी क्या हो रहा है वहाँ पर लगा हुआ है, इन द स्टेट वेयर दिस इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल इज इन अप्रूवल, वहाँ पर क्या होगा, इफ देयर इज एन नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी ऑपरेटिंग, अगर वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल पहले से लगा हुआ है तब तो क्या होगा, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल को आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ाया जाएगा, क्लियर हो रहा है। दूसरा कंडीशन, अगर इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना, निर्वाचन आयोग, अगर इलेक्शन कमीशन ये बोले कि उस स्टेट में ऐसा कंडीशन नहीं बन पाया है कि वहाँ पर हम क्या करा सकें, इलेक्शन करा पाएँ और वापस इस स्टेट की जो मशीनरीज है उसको रीस्टोर कर पाएँ,
ठीक है ना। तो निर्वाचन आयोग क्या बोल रहा है कि द इलेक्शन कमीशन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि देर इज नॉट अ कंडीशन, ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना है जिसमें हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर इलेक्शन फिर से करा सकते, वी कैन मेक द इलेक्शन अगेन। ठीक है, समझ आ रहा है? किसमें? फर्स्ट में ये है कि सपोज करो प्रेसिडेंट रूल लग गया, ठीक है, अब इसी बीच उसी स्टेट में उसी जगह पे जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, किस राज्य में लगता है, किस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, तो उसी स्टेट में क्या हो रहा है, नेशनल इमरजेंसी भी लग गया है या लगा हुआ है पहले से, तो उस केस में वहाँ पर अप्रूवल लिया जा सकता है कि अभी हम प्रेसिडेंट रूल को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, समझ आ रहा है? पर अगर वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा है तब तो एक कंडीशन खत्म। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ये बोले कि भाई यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर इलेक्शन हम अभी नहीं करा सकते, वी आर नॉट एबल टू मेक द होल्ड द इलेक्शन हियर, सो इन दैट केस हम चाहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू करें। क्लियर है सभी को? लिख लो इसको, अपने शब्दों में लिखो, छोड़ना नहीं है, राइट इन योर ओन सेंटेंस, जिनको जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो। ठीक है, तो पहले तो इसको याद रखो कि मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स, पीरियडिसिटी कितनी है, 6 मंथ की है, ठीक है ना। एक साल के बाद क्या करना होता है तभी एक्सटेंड होगा, तो एक्सटेंशन आफ्टर 1 ईयर 2 कंडीशन, ऐसे लिखो एक्सटेंशन आफ्टर 1 ईयर, तो यहाँ पर 2 कंडीशन है इसके, ठीक है। उसका कंडीशन नंबर 1 लिखेंगे क्या, इफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, अगर राष्ट्रीय आपातकाल वहाँ पर लगा हुआ है, लिखो जल्दी आप लोग, इफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन दैट स्टेट। और सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा हूं मैं कि इफ इलेक्शन कमीशन गिव इन राइटिंग दैट इलेक्शन कैन नॉट बी होल्ड इन दैट स्टेट, अगर इसको निर्वाचन आयोग लिख कर दे कि वहां पर हम क्या नहीं कर सकते, चुनाव नहीं करा सकते और वापस वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज काम नहीं कर। क्लियर है? अच्छा, इसमें गवर्नर का क्या रोल होता है प्रेसिडेंट रूल में, स्टेट मशीनरीज फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही, इसके लिए गवर्नर रिपोर्ट सबमिट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। तो गवर्नर प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं इसके रिगार्डिंग, और वो बोलते हैं कि यहाँ पर वो कंडीशन अराइज हो गया। तो 365 के अंदर जो है, ये 365 जो लिखा था मैंने, इसमें क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज जो फेल हुई है, ये प्रेसिडेंट को बताता कौन है, गवर्नर की ड्यूटी होती है राज्य के कि वो जाके प्रेसिडेंट को ये चीज़ को बताए। क्लियर हो रहा है? ओके, तीनों चीज़ समझ आया, कोई डाउट? इसको मैं फास्ट पढ़ा क्योंकि आप बोल रहे पढ़ चुके हैं ना उसको टेस्ट के लिए, इससे उसको थोड़ा सा फास्ट लेके जा रहा हूँ, समझ आ रहा है? और इसी तरीके से क्या लगता है आपका थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, हो जाएगा पक्का इमरजेंसी सभी से, ठीक है। और आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक खरीदो, दोनों है आप लोग के पास, हाँ उसको खरीदो, ठीक है ना, और उसको पढ़ना चालू करो, ऐसे एग्जाम थोड़ा निकलेगा, किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी ना थोड़ी बहुत। ओके चलो,